क्या कुछ कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी तो अभी तमिलनाडु वहाँ राजस्थान में आए हैं और छत्तीसगढ़ में भी आए हैं, तो बहुत खुशी हुई हमको आकर। और अभी हम लोग पटना में 2025 में इनका और आएंगे, और हम लोग RJD को यहाँ से दूर करना चाह रहे हैं। मोदी जी का मैजिक है जो फिर एक बार चल पड़ा है, और इसमें कहने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची है। ये हमारे जितना INDN जो इंडिया गठबंधन जो बना था, ये पूर्ण रूप से धराशाही हो चुका है। अब इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिहार की सरकार एक गठबंधन ठगबंधन NDA Alliance के लोगों ने बिहार में जात पात करके बिहार को खत्म कर रहे थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बताया कि इस देश में चार ही जात है। पहला जात है गरीब, जो देश में 36 करोड़ है, गरीब से बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने उस गरीबी को भोगा था। जाके पैर ना फटे बेबाई, सो क्या जाने पीर बवाई। आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट न्यूज, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए BJP कार्यालय में इस वक्त है, आपको बता दें 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जहाँ पे 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने वाली है, यानी 3 बूथ पे सबसे ज्यादा जो है BJP आगे है। अब BJP में देखिए खुशी का लाहौर दौड़ रहा है, तमाम BJP के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, और बता दें कि सम्राट चौधरी भी आने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो सब कुछ होगा। अब देखिए तमाम लोगों से बात करेंगे, BJP सबसे आगे है 3 बूथों पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसे? 3 स्टेट में तो अब क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 स्टेट तो जीत रहा है। क्या लग रहा है, आम जनता का प्यार सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिली है? हाँ, जहाँ तक एकदम नीचे तबका तक मोदी जी पहुँचे हुए हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और यह नतीजा बता रहा है जो मोदी जी का हर घर में, हर बूथ पर और हर व्यक्ति तक पहुँच है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे में, आज आप लोग एकदम काफी ज्यादा खुशी मना रहे हैं? ये मोदी जी का मैजिक है जो फिर एक बार चल पड़ा है, और इसमें कहने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची है। ये हमारे जितना INDN जो इंडिया गठबंधन जो बना था, ये पूर्ण रूप से धराशाही हो चुका है। अब इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखिए जो तमाम लोग हैं अभी यहाँ पे, देखिए किस तरीके से जो है चुनाव जैसे ही जीतने का जो माहौल बना, और उसके बाद से देखिए यहाँ पे तमाम जो लोग हैं BJP में, वो देखिए किस तरीके से सब लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है BJP को लेकर जो जीत हुई है BJP की, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी तो अभी तमिलनाडु वहाँ राजस्थान में आए हैं और छत्तीसगढ़ में भी आए हैं, तो बहुत खुशी हुई हमको आकर। और अभी हम लोग पटना में 2025 में इनका और आएंगे, और हम लोग RJD को यहाँ से दूर करना चाह रहे हैं, क्योंकि 9वां फेल मुख्यमंत्री बिहार कुछ नहीं कर सका है। भारतीय जनता पार्टी आएगा और ये पूरा अच्छा बिहार कर देगा। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो कार्य किए राजस्थान, तो वो कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रहे थे, प्रधानमंत्री के कार्य पर मोहर लगाए। मध्य प्रदेश में मामा जी शिवराज सिंह चौहान इतना अच्छा कार्य के लगाए, छत्तीसगढ़ में भी हो गया, और अब भारत के प्रधानमंत्री के मान लिया गया कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय है। बिहार की सरकार एक गठबंधन ठगबंधन NDA Alliance के लोगों ने बिहार में जात पात करके बिहार को खत्म कर रहे थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बताया कि इस देश में 4 ही जात है। पहला जात है गरीब, जो देश में 36 करोड़ है, गरीब से बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने उस गरीबी को भोगा था। जाके पैर ना फटे बेबाई, सो क्या जाने पीर बवाई। दूसरा वो आप लोगों के लिए कहे, 19 साल से 29 साल युवा है, जो हमारी शक्ति है वो 26 करोड़ है, एक जात वो हुआ दूसरा जात। तीसरा जात बताए, जो आप लोग नारी शक्ति हैं, 48 करोड़ 50 लाख नारी शक्ति, वो एक जात है। चौथा जात उन्होंने बताया, जो किसान 10 करोड़ है, देश ने माना, राजस्थान ने माना, मध्य प्रदेश ने माना, छत्तीसगढ़ ने माना, और हमारे साउथ भी तेलंगाना माना, कि प्रधानमंत्री कहते हैं यही 4 जात है। उनके कार्यों पर मुहर लगा दिया। हम कार्यकर्ताओं के आज कार्यालय में बड़ी खुशी है कि खुशी की मोती कैसे मिली।
मिली और कितना होता है। मध्य प्रदेश में बूथ लेवल पर काम हुआ, एक एक कार्यकर्ता को जोड़ा गया, 80 करोड़ आदमी के देश में भोजन दिया गया, नारी शक्ति का सम्मान किया गया। जब नारी शक्ति का अपमान कर रहे थे मुख्यमंत्री असेंबली में मुख्यमंत्री ने अपमान किए नारी शक्ति को, देश शर्म हो गया नीतीश कुमार पर। जब उन्होंने एक दलित को अपमान किया था, शर्म हो गया। आज नीतीश जी की तबीयत खराब हो गई, उधर से भी हो गया, उनमें अपना भी। जब जहाज डूबने लगता है तो चूहा भी भाग जाता है। घमंडिया गठबंधन का घमंड आज चूर हो गया। हम कार्यकर्ताओं में जय है। यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल दौड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार आगे है, भारतीय जनता पार्टी 3 जगहों पे आगे है, आज अपनी खुशी को कैसे जाहिर करेंगे? इसमें खुशी जाहिर का ये तो जग जाहिर है। हम लोग तो सब जगह चुनाव जीत रहे थे। ये एग्जिट पोल में सिर्फ एक मतलब एक हवा बनाया गया कि हम लोग पिछड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं था। ये तो अभी झांकी है, 2024 का अभी रिजल्ट बाकी है, इसलिए आश्वस्त रहिए 2024 में हम लोग एकदम पूर्ण बहुमत के साथ और मजबूती के साथ आएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो देखिए, तमाम जो चीज़ें था वो आपके सामने हैं, और ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन संजीत मैरिया पटना, नमस्कार।